नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेटोलॉजी में। मित्रों, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ लागू कर दिया है और इतिहास विषय में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और उसमें एक टॉपिक जो है वो प्रायः हर विषय में देखा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। तो इसके बारे में प्रायः हर विषय में जो करिकुलम बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है, तो उसमें टॉपिक रखा गया है। तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो यही है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या एंशंट इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इसके पहले हम जो है चर्चा प्रारंभ करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियोस हैं ये और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या एंशंट इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो अंग्रेजी में बना दी हैं, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा जिससे दोनों ही माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ हो। मित्रों, अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतवर्ष जो है वो अपने ज्ञान परंपरा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है और बहुत सारी विदेशी जातियाँ जैसे कि यूनानी, रोमन, पर्शियंस और भी जो यहाँ पे आक्रमण किया जिन लोगों ने, तो वो सभी जो है ये जानने के लिए इच्छुक रहते थे कि आखिर भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय संतों ने जो ज्ञान परंपरा हमारे समक्ष रखी है तो उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषताओं को जानने की इच्छा रखते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक थी, उसमें बहुत कुछ था। 18वीं शताब्दी में जब उपनिषदों का और भगवद गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो उस समय जो यूरोप के जो दार्शनिक थे, यूरोप के दार्शनिकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने ये उपनिषदों की फिलॉसफी की, उपनिषदों के ज्ञान की गहराई की और उसकी दार्शनिकता की, उसके जीवन मूल्यों की बहुत प्रशंसा की। तो इस तरह से यूरोप के सामने भी जो है एक नए तरह का दर्शन, एक नए तरह की ज्ञान परंपरा इनके माध्यम से आई और उन्होंने इनके बारे में जानने का बहुत प्रयास किया और भारतीय दर्शन जो था वो अपने आप में बहुत ही जटिल था और तकनीकी रूप से बहुत ही आप कह सकते हैं कि सक्षम था जीवन के बहुत सारी समस्याओं को हल करने में। तो इसलिए उसको जानने की इच्छा उस समय यूरोपियंस के मन में भी आ गई थी। तो इस तरह से ये जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है वो यूरोपियंस के माध्यम से दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंची। पहले यूरोपियंस के आने के पहले जो है वो मध्यकाल में इस्लामिक विद्वान थे, बहुत सारे विदेशी यात्री वगैरह आते थे, तो उन्होंने भी भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाया। इसके प्रति एक कौतूहल और एक उत्सुकता विदेशियों के मन में भी जगाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने स्लाइड में कि एंशंट इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड विजडम हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड चार्म फॉर द होल वर्ल्ड।
सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को तो सभी धर्मों की माँ कहा जाता है। हिंदुइज्म इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। दिस इज़ द एंशियंट लैंड वेयर विजडम मेड इट्स होम बिफोर इट वेंट इन टू एनी अदर कंट्री। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हिंदू धर्म जो है वो सभी धर्मों की जननी है, और दिस इज़ द एंशियंट लैंड वेयर विजडम मेड इट्स होम बिफोर इट वेंट टू एनी अदर कंट्री। ज्ञान और बुद्धि ने भारतवर्ष को अपना घर बनाया, बाद में फिर वो दूसरे देशों में गई। तो ये जो ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा कैसे हमारे पास आई? तो संस्कृत भाषा जो है इसको हम ज्ञान परंपरा का संवाहक कह सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ संस्कृत इज एसेंशियल एंड वाइटल टू अंडरस्टैंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए। संस्कृत लैंग्वेज हैज़ बीन द ट्रेजर हाउस ऑफ न्यूमरस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, बी इट लिटरेचर, ग्रामर, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी और योगा, आयुर्वेदा, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड ए नंबर ऑफ अदर। तो संस्कृत भाषा जो है वो एक भंडार है ज्ञान का, एक खजाना है जिसमें जो है ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, चाहे वो साहित्य हो, ग्रामर हो, विज्ञान हो, गणित हो, दर्शन हो, योग हो, आयुर्वेद हो, और वास्तु विज्ञान हो, चित्रकला हो, और भी बहुत सारी जो विधाएं हैं, तो उन सब का भंडार जो है हमें वो संस्कृत में मिलता है। और संस्कृत जो है वो संसार की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित, और आप कह सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण भाषा है। तो संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट, मोस्ट सिस्टमेटिक एंड ग्रामेटिकली परफेक्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संस्कृत में जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, संस्कृत स्क्रिप्चर्स जो हैं वो सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आजकल के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही या सबसे अधिक सुविधाजनक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि संस्कृत इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पाणिनि का ग्रामर जो है या व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण जो है वो सबसे पुराना व्याकरण है किसी भी भाषा का, और इसने एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जो कि बेजोड़ है, जो अद्वितीय है, दुनिया में ऐसा दूसरा नहीं है। ए एल भाषम जो है वो बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया या अद्भुत भारत। वो उसमें ये कहते हैं कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि है प्राचीन सभ्यताओं की। वो कि कहते हैं, अंग्रेजी में मैं बोल दूँ कि पाणिनीज ग्रामर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ एनी एंशियंट सिविलाइजेशन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ब्रह्मसूत्र है, और संस्कृत लैंग्वेज में हजारों ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे नाटक, काव्य, महाकाव्य हमारे समक्ष रखे। तो ये सब जो है ये प्राचीन ज्ञान का भंडार। मित्रों, संस्कृत भाषा जो है उसने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को पैदा किया। संस्कृत लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स लाइक वाल्मीकि, वेद व्यास, अश्वघोष, कौटिल्य, कालिदास, भवभूति, विशाख दत्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, अमर सिंह, भारवी, भास, शूद्रक, बाणभट्ट, न्यू एंड न्यूमरस अदर्स। तो दिस लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना के उपरांत जो ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेज थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के अध्ययन की तरफ ध्यान दिया, और उनका ये मानना था कि
संस्कृत जो है वो अन्य भाषाओं के अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती है हमारा, और उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्राचीन भारतीय जो हेरिटेज है, जो हमारा जो हमारी विरासत है, जो अगर उसके बारे में हमें जानना है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानना है, प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में जानना है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है, तो संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने संस्कृत के अध्ययन को प्रमुखता दी, और साथ ही साथ चूँकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो संस्कृत के ग्रंथों में ही लिखी हुई थी, तो इसलिए भी ये उनके लिए आवश्यक था कि वो संस्कृत सीखें। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स गेव प्रायोरिटी टू द स्टडी ऑफ संस्कृत टू फुलफिल दियर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। तो इस तरह से उन्होंने जो है भारत को गवर्न करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान आवश्यक समझा। उस समय बहुत सारे विद्वान थे, सर विलियम जोल्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, और बहुत सारे दूसरे यूरोपियंस थे जिन्होंने संस्कृत के अध्ययन पे बहुत जोर दिया। तो कुछ एक के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक सर विलियम जोन्स, शोपेनहावर, मैक्स मूलर, कीथ, गिल ड्यूरा, ए मैकडोनल, मोनियर विलियम्स, रिस डेविड्स, जूडिथ एच मॉरिसन, वेबर, एच एच विल्सन एक्सेट्रा एडवाइज्ड यंग यूरोपियंस टू लर्न संस्कृत फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिंदू माइंड एंड विजडम एंड नॉलेज सिस्टम। तो इन सभी विद्वानों ने युवा यूरोपियंस को यह सलाह दी कि अगर भारतीय मस्तिष्क, भारतीय बुद्धि और भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना है तो आप संस्कृत सीखें। यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि एच जी रॉलिंसन एक बड़े इतिहासकार हुए हैं। तो एच जी रॉलिंसन ने जो है यूरोप में संस्कृत कैसे पहुंची, इस पर एक बड़ा सुंदर विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि संस्कृत जो था वो यूरोप में एक विचित्र परिस्थिति में इंट्रोड्यूस हुई या आई। तो वो ये कहते हैं कि कंपनी का एक नौकर अलेक्जेंडर हैमिल्टन पेरिस में डिटेन किया गया था, यानी जेल में बंद किया गया था नेपोलियन की युद्धों के समय में, जब नेपोलियन के युद्ध हो रहे थे। तो और उसने अपना समय जेल में जो दूसरे अन्य कैदी थे उनको संस्कृत पढ़ा के बिताया। तो और उसके शिष्यों में महान जर्मन कवि और फिलोसफर शेलेगल भी थे। तो शेलेगल जो है, जब वो जर्मनी वापस लौटे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन द लैंग्वेज एंड विजडम ऑफ इंडियंस, और ऑन द लैंग्वेज एंड विजडम ऑफ इंडियंस में उन्होंने संस्कृत भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मतलब आजकल बहुत सारे लोग जो है वो संस्कृत भाषा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसे डेड लैंग्वेज बोल देंगे और कुछ भी बोल देंगे। तो उन्हें जो है इन यूरोपियंस से सीखना चाहिए जो इसके महत्व के बारे में कितनी बातें लिखते हैं। मैक्स मूलर ने अपने एक लेक्चर में कहा था कि आई शुड एडवाइज यंग मैन हु विशेस टू एंजॉय हिज लाइफ इन इंडिया एंड टू स्पेंड हिज ईयर्स देयर विथ प्रॉफिट टू हिमसेल्फ एंड अदर्स टू लर्न संस्कृत एंड टू लर्न इट वेल। का कहना था कि मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा जो अपना समय भारत में बिताना चाहते हैं, भारत में रह के लाभ कमाना चाहते हैं, तो उनको जो है संस्कृत भाषा अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो जीवन का आनंद ले पाएंगे भारत में। इसके अलावा जो है उसने और भी बहुत सारी बातें संस्कृत की प्रशंसा में कही, वो सारी बातें यहाँ छोटे से वीडियो में बताना मेरे लिए संभव नहीं है। मित्रों, आज हम जो है एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। आज जो हमारी सभ्यता जो है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, आप कह सकते हैं, और आधुनिक जीवन की चुनौतियों ने
जो है हमारे लिए मानसिक अशांति पैदा कर दी है, और एक तरह से आप कह लीजिए कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों ने जो है हमारा सुख चैन छीन लिया। और आज उपभोक्तावाद का युग है, और उपभोक्तावाद के युग में भौतिकतावाद को बढ़ावा मिलता है। और तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कुछ है, बहुत आर्थिक विकास हुआ, बहुत औद्योगिक विकास हुआ, विज्ञान में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। हम कह सकते हैं कि वी अचीव्ड वंडरफुल सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी जो है जीवन में शांति की खोज में हम भटक रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है, इसका कारण क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इन सब कष्टों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इस क्रिटिकल जंक्चर में, या इस हम कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण समय में, वेदों का जो संदेश है हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और वैदिक सभ्यता सर्वधर्म संभाव की बात करती है, अर्थात कि ऑल रिलीजन्स आर और ऑल ट्रूथ्स आर इनहेरेंटली इन हार्मनी विद वन एनदर, यानी सभी धर्मों में समान भाव की बात करता है। सभी धर्मों में एक तरह की धार्मिक एकता पाई जाती है। सभी धर्म जो है वो लव, जिसे आप कहते हैं प्रेम, स्नेह, पीस, शांति, डिवोशन, भक्ति, ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, तो इस तरह की वैल्यूज़ की या इस तरह के मूल्यों की शिक्षा देते हैं। और सभी धर्म जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को। वैदिक धर्म में सर्वधर्म संभाव की बात सबसे पहले वेदों में ही कहा गया, और आज जो हमारा भारतवर्ष की जो आज हमारी राजनीति है उसमें जो है सर्वधर्म संभाव को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हमने स्वीकार कर लिया है। और क्योंकि भारत में बहुत सारे अलग अलग फेथ के या अलग अलग संप्रदाय के धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसलिए जो है सर्वधर्म संभाव हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यही महात्मा गांधी भी कहते थे, और महात्मा गांधी के अनुसार तो माई हिंदुइज्म इज़ नॉट सेक्टेरियन, वो ये कहते थे कि मेरा जो हिंदू धर्म है वो संप्रदायवादी नहीं है। वो ये कहते थे कि इट इंक्लूड्स ऑल दैट आई नो टू बी बेस्ट इन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जोरोस्ट्रियनिज्म, कि मैं सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को, चाहे वो ईसाई धर्म हो, जरथुस्ट का धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, जैन धर्म हो, उनको मिला करके अच्छी बातों को ले करके मैं अपने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता हूँ और लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक धर्म इज अ यूनिवर्सल रिलीजन, एक सार्वभौमिक धर्म है। वैदिक रिलीजन स्पीक्स ऑफ सर्वधर्म संभाव, संस्कृत टर्म मीनिंग दैट ऑल रिलीजन्स और ऑल ट्रूथ्स आर इनहेरेंटली इन हार्मनी विद वन एनदर। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वधर्म संभाव की संवाहक रही है, उसको प्रमोट करती रही है। आइए थोड़ी चर्चा हम उपनिषदों के ऊपर करते हैं, क्योंकि उपनिषद जो हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा की चरम परिणति हैं। जो वैदिक काल में जो ज्ञान के विषय में शोध प्रारंभ हुआ था, दर्शन पे, भारतीय दर्शन और ज्ञान पे जो शोध प्रारंभ हुआ था, उसकी चरम परिणति हम उपनिषदों में देख सकते हैं। तो उपनिषद जो है, उपनिषद टेल्स अस अबाउट एंशियंट इंडियन नॉलेज, विजन एंड विजडम इन ग्रेट डिटेल। तो बहुत विस्तार से उपनिषद हमें जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान, बुद्धि, मनीषा और जो विजन है, जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, उनके बारे में विस्तार से उपनिषद हमें बताते हैं। आधुनिक समय में जो है हमने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन
मेंटल पीस नहीं है, हमारे मानसिक शांति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग भ्रम और दुविधा का शिकार है। तो इस तरह से उपनिषद जो हैं वो प्रेरणा का अक्षय स्रोत्र है, और ये हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों की तपस्या का फल है, हम कह सकते हैं। बहुत गहरे चिंतन, बहुत गहन चिंतन का फल है जो उन्होंने हमें दिया है। तो इसलिए जो है हमें उनसे इंस्पिरेशन अवश्य लेनी चाहिए। शोपेनहावर जो है, ये जर्मन फिलोसफर था 19वीं शताब्दी का, तो शोपेनहावर कहता है कि उपनिषद का प्रत्येक वाक्य जो है वो सबलाइम है, डिवाइन है, या दैवीय विचारों से ओतप्रोत है, और वो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है, हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। तो उपनिषद जो है उनको वेदांत भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि जो फिलोसफिकल इंक्वायरी वेदों में शुरू हुई थी, या जो दार्शनिक अन्वेषण, दार्शनिक शोध, दार्शनिक खोज वेदों में शुरू हुआ था, उसकी चरम परिणति है ये। तो द कल्मिनेशन ऑफ दैट फिलोसफिकल इंक्वायरी विच बिगैन इन द वेदास, तो वो दैट इज नोन एज वेदांत। तो अब आप देखिए, वेदांत जो है वो क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा और बुद्धि दर्शन का सार है। वेदांत जो है वो हमें आत्मविकास की तकनीक बताता है। वेदांत टीचेज अस टेक्निक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्मविकास का। तो इस तरह से, इसी तरह से जो है वेदांत की जो सबसे अच्छी व्याख्या जो है हम भगवद गीता में देख सकते हैं। भगवद गीता जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, महाभारत में जब युद्ध चल रहा, प्रारंभ होने वाला था, तो अर्जुन मोह में पड़ गए थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें बहुत सारी बातें समझाई जो कि भगवद गीता के रूप में हमारे सामने आई। और भगवद गीता में जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान जो है वो हमें भगवद गीता में न मिलता हो। तो मित्रों, भगवद गीता जो है उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं। उस ग्रंथ ने हमारे यहाँ न जाने कितने विद्वानों को आकर्षित किया है, शंकराचार्य, रामानुज हों, शंकराचार्य हों, और आधुनिक युग में महात्मा गांधी हों, या बाल गंगाधर तिलक हों, बहुत सारे जो आजकल के संत महात्मा हैं, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हों, चाहे अवधेशानंद हों, चाहे जो भी हों, सभी लोगों ने जो है भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं और उनकी व्याख्या की है अपने अपने ढंग से। और भगवद गीता ने सबको बहुत सारे कारणों से प्रभावित किया है। हम कुछ लोगों की बातचीत करें, महात्मा गांधी कि हम बातचीत करें, तो महात्मा गांधी जो है वो भगवद गीता हमेशा पढ़ते थे, वो हमेशा अपने पास रखते थे, और महात्मा गांधी ये कहते थे कि भगवद गीता इज जस्ट लाइक माय मदर, वो ये कहते थे कि भगवद गीता मेरी माँ के समान है, और व्हेन आई एम इन डिफिकल्टी और इन डिस्ट्रेस आई सीक रिफ्यूज इन हर बूजम, और जब भी मैं कठिनाई में होता हूँ, जब भी मैं डिप्रेशन में होता हूँ, तो मैं उसके वक्ष में अपना सर छुपा लेता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवद गीता में उन्हें सारी समस्याओं का हल मिल जाता था। जवाहरलाल नेहरू को धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन भगवद गीता वो भी हमेशा उसके प्रति अपने जेब में रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वोच्च ग्रंथ था। प्राचीन भारत के लोग जो थे वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उनका जो राष्ट्रीय जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, उनका राष्ट्रीय जीवन जो था उसमें प्रत्येक क्षेत्र में वो प्रथम श्रेणी में आते थे। चाहे कोई भी विभाग हो, वो चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे धर्म हो, चाहे
तो इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंशियंट हिंदूज एक्सेल्ड, सभी विभागों में जो है वो सबसे आगे रहे, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, आर्ट्स हो, रिलीजन हो, फिलॉसफी हो, लॉ हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग हो, एग्रीकल्चर हो, यानी विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन, विधि, वास्तुशास्त्र, चित्रकला, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, राजनीति, सभी क्षेत्रों में आगे थे हमारे भारतीय जो थे। और तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम था या जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारी ज्ञान परंपरा अलग प्रकार की थी और वो हमें हमेशा आगे बढ़ना सिखाती थी किसी भी फील्ड में। अब हम थोड़ा सा जो है अलग अलग विषयों को देख लें, बहुत सारे विषय जैसे एंशंट इंडियन हिस्ट्री से जो है वो किन किन विषयों में आगे थे, तो जैसे मैंने कुछ आपको बताया है और भी बहुत सारे हैं। अब साइंस की भी बात हम थोड़ा सा करें तो विज्ञान की बात जो है, विज्ञान आप जानते हैं विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, तो भारतीय लोग जो थे वो विज्ञान में भी बहुत आगे थे, वो चाहे जो भी क्षेत्र, एस्ट्रोनॉमी हो यानी जो ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजी हो, और खगोल शास्त्र हो, गणित हो, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र हो, मेडिसिन हो, आयुर्वेद है, एनाटॉमी है, इसी तरह से फिजियोलॉजी है जिसे आप कहते हैं, शरीर शास्त्र आप कह सकते हैं, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर यानी वास्तुशास्त्र है, इन सब में बहुत आगे थे। और पाइथागोरस के 2000 साल पहले भारत के जो है जो दार्शनिक थे उन्होंने ग्रेविटेशन की थियोरी जो थी वो हमारे सामने, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था। उन्होंने जो है सोलर सिस्टम के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। उन्होंने ये बता दिया था कि किस तरह से जो सूर्य है वो स्थिर रहता है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। संस्कृत बोलने वाले आर्यों ने यह भी हमें बता दिया था कि पृथ्वी की जो शेप है वो गोल नहीं है बल्कि स्फेरिकल है। और जबकि उस समय प्राचीन काल में, उस समय जो यूनानी जो कि अपने आप को बहुत बड़े चढ़े कहते थे ज्ञान दर्शन इत्यादि में, वो लोग उस समय पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, लेकिन भारतीय जो विद्वान थे उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है, यानी जिसे आप कहते हैं अंडाकार शेप में है। तो इस तरह से 5वीं शताब्दी तक भारत के लोगों ने जो है पृथ्वी की आयु की भी गणना कर दी थी और ये बता दी थी कि पृथ्वी जो है 4.3 बिलियन ईयर्स उसकी उम्र है, जो कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो लगभग इतना ही बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी उस समय जो मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे प्राचीन भारत के, उन्होंने जो कुछ बताया वो बड़ा ही एक्यूरेट बताया। अब उस समय हमारे यहाँ जो थे वो बहुत सारे विद्वान थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उनके नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स एंड मैथमेटिशियंस ऑफ एंशंट इंडिया हुआ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे उनमें जो है वो आर्यभट्ट थे, जो कि 499 ईस्वी में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह से लता देव थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, लल्ल थे, मंजुल, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कर द्वितीय, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ और रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, जिन्हें भारत ने उस काल में उत्पन्न किया था और उन्होंने जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को पाला पोषा और परिपुष्ट किया और भी उन्नत किया और उसे आगे बढ़ाया। तो निश्चित रूप से जो भारतीय गणित जो थी वो बहुत, इट वॉज द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एज फार एज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न।
जहाँ तक भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास का संबंध है, अगर उसकी उपलब्धियों की गणना हम करें तो उसमें जो इंडियन मैथमेटिक्स है, हम ये देखेंगे विज्ञान में के क्षेत्र में, मेडिसिन है, तो इन सब में हम लोग बहुत आगे थे। और सौभाग्य से आज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरवाइव कर रही हैं, बची हुई हैं, और उनके ऊपर शोध चल रहा है और हम लोग उनके बारे में जान रहे हैं। आप इसी तरह आप देखिए विज्ञान का एक चमत्कार, आप देखिए कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, या सुल्तानगंज में कॉपर की मूर्ति है गौतम बुद्ध की जो 40 से 50 फीट लंबी है, तो ये सब जो है विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत नमूने हैं। आप देखिए उस लौह स्तंभ में आज तक कभी जंग नहीं लगा, तो ये भारतीय ज्ञान और मनीषा की पराकाष्ठा थी। इसी तरह से उस बौद्ध मूर्ति वगैरह में इतनी बढ़िया जो है पॉलिश की गई है, उसकी पॉलिश अभी तक नहीं उतरी है। अशोक के जो मोनोलिथिक पिलर्स हैं, यानी कि एकाश्म जो स्तंभ हैं, यानी कि एक पत्थर से बने हुए जो स्तंभ हैं जिसमें कोई जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, इतना बड़ा पत्थर कैसे पहाड़ से काटा गया, कैसे उसको तराशा गया, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कैसे उसको खड़ा किया गया, तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात थी। मित्रों, चरक और सुश्रुत संहिता मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ थे, और उसमें जो हिंदू फिजिशियंस जो थे उस समय के, यानी जो डॉक्टर्स थे आप कह सकते हैं, वैद्य थे, तो उन्होंने लिगामेंट्स के बारे में, अब लिम्फेटिक्स के बारे में, नर्व सिस्टम के बारे में, फेसिका, एडिपोज, वास्कुलर टिश्यूज, म्यूकस, इन सब चीज़ों के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है, हमें बताया है। और साथ ही साथ आप ये जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से हमें ये पता चलता है कि भारतीय लोग जो है वो सर्जरी भी करते थे, और उनके पास 120, ध्यान रखिएगा, 120 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस समय उनके पास थे, यानी कि ऑपरेशन करने वाले, शल्य क्रिया करने वाले 120 तरह के औजार उनके पास थे, जिनका वर्णन हमें उन पुस्तकों में मिलता है। बर्थ कंट्रोल जो है आजकल के समय में बहुत इसकी बात की जाती है, बताया जाता है, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। अब मित्रों, एंशंट इंडियन विजडम एंड नॉलेज हैज इम्फेसाइज टाइम एंड अगेन दैट द रूलर शुड बी राजर्षि। आइए हम थोड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर, थोड़ा राजनीति के ऊपर भी बातचीत कर लें भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन भारतीय मनीषा ने सदैव ये कहा है कि जो शासक होना चाहिए, यानी उस समय तो राजतंत्र ही प्रचलित था ज़्यादातर, तो उनका यह कहना था कि राजर्ष जो है उसके लिए राजर्षि बनने का, यानी कि राजा और ऋषि आप देख सकते हैं, यानी ऐसा राजा हो जो ऋषि के समान उसका जीवन हो, यानी जिसे किसी चीज़ से कोई मोह ना हो, जिसे धन से संपत्ति से कुछ ना हो। जैसे आप देखिए, आप एक उदाहरण ले सकते हैं राजा जनक का, तो राजा जनक को विदेह कहते थे, और साथ ही साथ उन्हें राजर्षि कहते थे। इसी तरह से विश्वामित्र को भी पहले राजर्षि की उपाधि मिली, फिर बाद में ब्रह्मर्षि हुए। तो राजर्षि का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो सदैव अपने प्रजा के कल्याण की बात सोचे, स्वयं विरक्त रहे, स्वयं जो है वो उसे किसी भी हर प्रकार के लोभ मोह काम क्रोध धन संपत्ति इन सब से जो है स्वयं विरक्त रह करके केवल सेवा को ही अपना कर्तव्य माने और प्रजा की सेवा में निरत रहे। और इसीलिए जो है धर्म राज्य की कल्पना की गई, ये कहा गया कि जो राजर्ष होगा तो दे मस्ट बी मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन एंड डिस्चार्ज डियर ड्यूटी विद द बॉन्ड्स ऑफ धर्म। तो बहुत ही उच्च हाई चरित्र वाला व्यक्ति होगा, बहुत उच्च कोटि के चरित्र वाला व्यक्ति होगा, और अपने कार्य संपादित करेगा धर्म के अनुसार। तो इस तरह से धर्म राज्य की स्थापना होगी।
तो मित्रों, पॉलिटिक्स में भी जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो राजनीति में भी हमें बहुत उच्च कोटि के नियमों के पालन करने की शिक्षा देती है। इसी तरह से आप देखें कि बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथ जैसे हैं, महाभारत है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति सार है, रामायण है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो हैं, तो वो ज्ञान के अपार भंडार हैं। उसमें हमें धर्म के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, दर्शन के बारे में, हर विधा के बारे में, कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके बारे में न कुछ भी हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें हमारे लिए बहुत सारे मॉरल लेसन्स हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपना अहिंसा का सिद्धांत कहाँ से लिया, या किसी ने भी, गौतम बुद्ध ने अपना अहिंसा का सिद्धांत कहाँ लिया, ये सब जो है बाई प्रोडक्ट है हिंदू धर्म के। तो महाभारत में कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो परम धर्म है। तो सत्य और अहिंसा की बात जो है महात्मा गांधी कहते थे, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा से ही जो है सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया था। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा ने जब भारत में पुनर्जागरण आया और दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो थे, इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये सब भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही प्रभावित थे और उसी से प्रेरणा लेकर के, उसी का संबल लेकर के इन्होंने अपने आंदोलन चलाए। और बहुत सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेता थे, महात्मा गांधी हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सभी सभी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो अपने भाषणों में बहुत जगह उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, बहुत सारे भाषणों में उन्होंने उसकी चर्चा की और उससे प्रेरणा लेने की बात कही। तो इस तरह से मित्रों, एक ऐसा एक जो समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जहाँ ऐसा समाज हो, जहाँ राम राज्य हो, जहाँ लोग सभी लोग सुखी हो, जब हम जिस सिद्धांत का प्राचीन भारतीय परंपरा हमें क्या सिखाती है, कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो सभी भलाई देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है कि सारा संसार जो है वो एक परिवार है। तो सॉरी, मैंने संक्षेप में, जितने संक्षेप में हो सका, आपको भारतीय परंपरा के बारे में बताने का प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरा आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन करता हूँ, केवल देखें ही ना बल्कि सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे भी नई नई वीडियो लेके आने की प्रेरणा आपसे मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।